नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पोषण ट्रैकर ऐप में आप सभी लाभुकों का रजिस्ट्रेशन कर लेना है, तो उसी के रिकॉर्डिंग यहाँ पे एक ICDS की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाएँ ICDS निदेशालय बिहार की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है और संचिका संख्या देख सकते हैं यहाँ पे 2663 और दिनांक 28/4/2021 को ये लेटर जारी किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लेटर जारी करने वाले हैं निदेशक ICDS बिहार पटना, तो ये बिहार पटना पूरे बिहार के लिए ये लेटर जारी किया गया है। तो सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार, तो ये लेटर सीधे DM को जारी किया गया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पत्र को ध्यान से सुने और पोषण ट्रैकर का काम आप लोग जल्द से जल्द पूरा कर लें। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे विषय में दिया गया है पोषण अभियान अंतर्गत पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर 100% लाभुकों को जोड़ने के संबंध में। तो ये पोषण ट्रैकर का जो एप्लीकेशन है उसी के रिकॉर्डिंग यहाँ पे लाभुकों को जोड़ने के संबंध में ये पत्र जारी किया गया है। तो आगे देख लेते हैं। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि ICDS अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता हेतु पोषण अभियान तहत पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर सेविकाओं के द्वारा अपने पोषक क्षेत्र के सभी लाभुकों को जोड़ते हुए सेवाएं प्रदान की जानी है। इन कार्यों का अनुसरण पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड के माध्यम प्रत्येक स्तर यथा जिला पदाधिकारी या जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के स्तर से किया जाएगा। जिला स्तर पर अनुसरण हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में पोषण समिति का गठन भी किया गया है। तो आप अवगत हैं कि भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में दिनांक 15 अप्रैल 2021 तक सभी सेविकाओं के द्वारा लाभार्थियों को पोषण ट्रैकर में जोड़ा जाना था, परंतु प्रगति संतोषजनक नहीं है। देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल तक एक डेट निकला था, तो उस डेट तक आप सभी को इसमें लाभुकों को जोड़ लेना था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पोषण ट्रैकर में जोड़ा जाना था परंतु प्रगति संतोषजनक नहीं है, यानी कि अभी बहुत सारी सेविकाएँ हैं जो अपना पोषण ट्रैकर ऐप में लाभुकों का रजिस्ट्रेशन नहीं की हैं। तो सुलभ प्रसंग हेतु जिलावार विवरणी संलग्न है। तो उसके बाद देख सकते हैं कि अतः अनुरोध है कि जिला अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा अपने पोषक क्षेत्र के सभी प्रकार के लाभार्थियों को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में 100% जोड़ने हेतु संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अपने स्तर से निर्देशित किया जाए तथा दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक इस प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाए। तो देख सकते हैं कि 30 अप्रैल तक लास्ट डेट रखा गया है, तो इस डेट तक आपको ये सारा काम आप लोगों को जल्द से जल्द पूरा कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि निदेशक ICDS बिहार का सिग्नेचर भी है यहाँ पे। तो और एक बात यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि 100% लाभुकों को जोड़ने के संबंध में, तो यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पे कितने लाभुकों को जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर तो नहीं बताया गया है, लेकिन आपको लाभुकों को जोड़ना है जो कि आपके केंद्र में जितने भी आपको आप लोग राशन देते हैं जितने भी लोगों का, उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे कि सभी लाभुकों का मोबाइल नंबर आधार नंबर डाल के सभी का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।